मध्य प्रदेश के रीवा से इस समय बड़ी खबर आ रही है। अग्रवाल नर्सिंग होम में जिला प्रशासन ने मारा छापा। डॉक्टर अग्रवाल के निजी निवास में भ्रूण प्रशिक्षण करने का मामला आया सामने। पुलिस ने बिना रजिस्ट्रेशन की लिंग प्रशिक्षण मशीन की बरामद। भ्रूण प्रशिक्षण करते डॉक्टर अग्रवाल को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। अवैध लिंग प्रशिक्षण की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस टीम ने की कार्रवाई। ज़्यादा समाचार देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। भारत सरकार का एक्ट है पीसीएन पीएलडीटी एक्ट, रस्व पूर्व निदान तकनीक 1994, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। हर सोनोग्राफी मशीन सीएमएचओ कार्यालय से आजकल कलेक्टर कार्यालय से रजिस्टर्ड हो चुकी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति मशीन रख नहीं सकता, मशीन का संचालन नहीं कर सकता, मशीन का संचालन करता का भी रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे बड़ी बात है कि इस मशीन में ना तो मशीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है कलेक्टर कार्यालय में, ये मशीन अवैध रूप से यहाँ पर रखी जा रही थी और इसका बार बार शिकायत आ रही थी कि भ्रूण परीक्षण के लिए इसका उपयोग होता है। इसी के तहत कलेक्टर साहब के निर्देश पर ये कार्रवाई यहाँ पे की गई है। क्या जब्ती का कार्रवाई की जाएगी? हाँ, मशीन जब्त करके उसको जिला कार्यालय सीएमएचओ स्टोर में उसको रखा जाएगा और इसके बाद फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस नर्सिंग होम के खिलाफ एक शिकायत मिली थी महोदय के पास कि जहाँ पे सोनोग्राफी इसलिए की जाती है कि लिंग परीक्षण के लिए, और उसके बाद जब लिंग परीक्षण हो जाता है तो फिर बाद में लोग दबाव मारने का बात करा, ऐसी शिकायत मिली थी। इसके आधार पर गृह महोदय ने एक टीम गठित किया कि उन्हें जाँच कराए, जाँच किया जाए और औचक छापा डाला जाए जिससे की होता। इसके आधार पर हम लोग ने टीम बनाई और महिला थाना प्रभारी का काम हुआ गया कि आप किसी तरह इनसे बात करें, तो इनके यहाँ दलाल सिस्टम है, दलालों के माध्यम से ये अपने उनको जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनके उनसे बात करते हैं और पैसा तय करते हैं और फिर समय बताया जाता है कि इस समय ले क्या है। तो महिला थाना प्रभारी ने उनसे बात की और उनसे 6,000 रुपये की मांग की गई और इसकी हम लोगों ने आरटीओ टेप कराया और 6,000 रुपये मांग की गई और बुलाया गया कि आज 9 बजे से 10 बजे के बीच में आए तो आप काम हो जाएगा। महिला थाना प्रभारी ने एक अपने पीटीएस में हमारे एक सहयोगी सब इंस्पेक्टर हैं चित्रांगदा सिंह, जो कि उनके 5 से 6 महीने का पेट बच्चा है, उनको हम लोगों ने तय किया और उनके यहाँ लिया। उनकी सोनोग्राफी उन्होंने किया और सोनोग्राफी होते ही हम लोगों ने उनको पकड़ लिया और इसमें पूरी टीम गठित हुई थी, उसमें सी एस पी साहब, केंद्र साहब ने हमारी दो नए तहसीलदार प्रकाशी पांडे और प्रदीप शुक्ला सम्मिलित थे, टीआई विश्वविद्यालय सम्मिलित थे। इन लोगों के माध्यम से पूरा कार्रवाई की, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो हमारे महिला थाना प्रभारी अनाथा सिंह है उनका किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है? जल्दी कीजिए, पहले आइए पहले पाइए। सिंगरौली न्यू मार्केट गंगोत्री होटल में 600 स्क्वायर फीट की दुकानें खाली है। जिस किसी को शोरूम, कोचिंग सेंटर, बैंकिंग के लिए आवश्यकता हो कृपया संपर्क करें। हमारे यहां पार्किंग एवं सर्व सुविधा युक्त स्थान है। हमारा मोबाइल नंबर है 07825668077222973001। हमारे चैनल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे।